दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने सफर पर। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। जैसा आप सबको मालूम है डेली अपने सफर पर रहता हूँ, तो चलते हैं अपने सफर पर और आज बने रहे मेरे साथ में ब्लॉग में। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं अपने सफर पे हूँ, तो आप देख लीजिए मैं सफर पर चल दिया हूँ और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, तो आज का जो मेरा सफर है वो है बैनोली पीपलवाड़ा। हम लोग जा रहे हैं बैनोली पीपलवाड़ा जहाँ पर मेरा सफर है, तो आप लोग भी मेरे साथ में बने रहे इस सफर में और इस रूट का एंजॉय करें। तो चलते हैं अपने सफर पर। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं अपने सफर पे हूँ और सफर के दौरान मैं दुब्बी बनास के आगे पहुंचा और यहाँ पर रिको इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया जा रहा है, बिदर का इंडस्ट्री एरिया। तो वहां पर मैं रुका और वहां मैंने देखा कि ट्रैक्टर जो है, ट्रक है वो खड़ा है और ट्रक की स्थिति बहुत दयनीय है, यानी बहुत खराब है। और उसकी स्थिति मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ, जबकि प्रशासन का इस ओर ध्यान होना चाहिए लेकिन ध्यान नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये सामने आप देखिए, ये बिदर का इंडस्ट्री एरिया का डेवलप किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं खंबे लग रहे हैं और रोड भी तैयार किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं वो ट्रक भी दिखाता हूँ। आप सामने देख पा रहे हो ये जो ट्रक है, इसकी स्थिति बहुत दयनीय है और ये एक तरह से इसके जो टायर वगैरह वो ख़त्म हो चुके हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में। जहाँ यहाँ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए या इस ट्रक को हटाना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं गया, यानी कि या तो इसमें आग लगी या कोई और भी ऐसी दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों ऐसे सफ़र के दौरान कोई ना कोई ऐसे शॉट मिल ही जाते हैं, दिख ही जाते हैं, जिसे कैमरे में कैद करने का मन करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए दोस्तों मैं सफ़र पर चल दिया हूँ। आप लोगों का भी मैंने बिदरखा वाला जो इंडस्ट्री एरिया वो दिखाया। आप देखिए जो सफ़र है वो बहुत ही सुहाना सफ़र है और बनास आने वाली है सामने, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट हो चुकी है। तो बनास है, तो आप लोगों को बनास का भी नज़ारा दिखाऊंगा, आप मेरे साथ में ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों सफ़र के दौरान मैं बनास नदी पे पहुंच चुका हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये बनास का ब्रिज है और यहाँ पानी भरा रहता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे और मैं अभी आप लोगों को भी दिखा दूंगा ये शॉट है। ये ब्रिज वाला शॉट तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नदी वाला भी शॉट दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहें। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, ये पानी आता है जब बारिश होती है तो भयंकर पानी आता है इसके अंदर और बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, लेकिन अभी तो सूख चुकी है। लेकिन ये देख लीजिए ब्रिज का दृश्य देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा दृश्य है। और यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ रुकना चाहिए कुछ मिनट, कुछ क्षण यहाँ रुकना चाहिए, जिससे एक अलग ही एहसास होता है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा एहसास होता है, मैं जब भी इधर आता हूँ तो मुझे रुकता हूँ तो बहुत ही शांति मिलती है। आप लोगों को ये दृश्य देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है सफ़र पे हूँ, सफ़र के दौरान मैंने भाड़ोती पार कर लिया और मुझे एक भाई मिले रजनीश भाई, जिन्होंने मुझसे लिफ्ट ली और लिफ्ट के दौरान वो बोले कि यार मुझे खिड़नी तक छोड़ दोगे, तो मैंने बिल्कुल छोड़ देंगे। तो भाई है मेरे साथ में, क्या नाम है? रजनीश मीणा। रजनीश मीणा भाई कहाँ के हो? यही सोतोली गाँव में। सोतोली गाँव में बोली के पास में। तो अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा कि भाई ने लिफ्ट मांगी और मैंने लिफ्ट दी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। सही है, तो आप भी हेल्प करोगे किसी की? हाँ जरूर। तो भाई ये कह रहे हैं कि मैं भी हेल्प करूँगा, तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ में बने रहे मेरे सफ़र पर और इन्जॉय करें। तो सफ़र के दौरान मैं पहुंच चुका हूं बहनौली, और बहनौली के पहुंचते हुए मुझे जो ये दृश्य लगा वो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा दृश्य लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं सफ़र के दौरान पहुंच चुका हूं बहनौली, और बहनौली मात्र 2 किलोमीटर दूर है और 2 किलोमीटर दूर पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अपने सफ़र के दौरान अपनी मंजिल पर पहुँच चुका हूँ। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहें, मैं और भी आप लोगों को मिलवाऊँगा। तो जब तक चलते हैं अपन। दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों जय हो करम की। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।